अस्सलाम वालेकुम। शमीना के हुनर में आपका इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन पनीर पुलाव। इसके लिए इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो आप देख लीजिए। एक आपको पैन चाहिए है, कुकर पैन कुछ भी, किसी में भी आप बना सकते हैं। कुछ ये हैं सामान। ये पनीर है, पनीर जो है हमने पहले से ही तल के रख लिया है। ये है 4 या 5 लौंग, गर्म मसाला, ये हैं काली मिर्च, 2 तेज़पात के पत्ते, ये 2 लाल मिर्च और ये 1 हरी मिर्च, ये है क्यूमिन सीड और ये है शाहजीरा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 2 बड़ा प्याज, 1 टमाटर हमने चॉप करके रख लिया है और ये है हमारे 2 कप चावल। इसमें हम सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। छोटा सा मेजरमेंट कप लेके 1 कप हम ऑयल डालते हैं, क्योंकि इसमें पुलाव में ऑयल अगर अच्छा डला होगा तभी पुलाव का टेस्ट बढ़ता है, और वैसे जो है कम ऑयल होगा तो सूखे सूखे चावल लगेंगे। ठीक है, ये ऑयल मैंने डाल लिया, थोड़ा सा बच गया है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ऑयल गर्म हो रहा है हमारा, सबसे पहले हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे ऑयल में। ये काली मिर्च, ये है जावित्री और ये लौंग, ये डालते हैं। जब इसे चटकने लगते हैं से ऑयल हो जाए, जब इसे चटकने लगेंगे ऊपर आने लगेंगे, फिर हम उसके बाद इसमें डालते हैं शाहजीरा। और सीरा, सफ़ेद सीरा ये हमने डाल दिया, आधा आधा चम्मच दोनों में, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये अच्छे से भूनने लगा है, ये तेज़पात पत्ते 2 डाल दिए इसमें। अब इसमें हम ऑनियन, फ्लेम आपका फुल पे रहेगा जब तक ये भून नहीं जाता। देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, तो फूल रही है बिल्कुल। अब ये पुलाव जैसा बनेगा, जैसे कि आपका चिकन पुलाव होता है, बिरयानी टाइप चिकन पुलाव, प्लेन पुलाव भी बनता है, यूपी स्टाइल सेम वैसे ही बनेगा और बहुत ही जायकेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मिर्च कम होती है, जबकि बिरयानी में ज़्यादा मिर्च रहती है, तो बच्चे जो है अवॉइड करते हैं। और ये पुलाव जो है बच्चे मोस्टली बहुत पसंद करते हैं, और पौष्टिक है क्योंकि सोयाबीन हमने इसमें डाल रखा है और हमारा पनीर है जो कि सारे प्रोटीन होते हैं पनीर में, तो इस वजह से हमारा ये पौष्टिक हो जाता है। तो आप कभी भी आपका दिन चाहे दिन में या रात में कभी भी आप बना के बच्चों को देख सकते हैं।
आप ही खाइए, सभी के लिए अच्छा लगता है। अब ये प्याज जो है हमारी भुनी हुई आ रही है, थोड़ी सी थोड़ा सा और रह गई है, इसे थोड़ा भूनेंगे। अब हम इसमें तेल, हरी मिर्च डाल देंगे और ये लाल मिर्च डाल देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ, ये गरम मसाला डाल दिया हमने और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ये 2 चम्मच से ज़्यादा का कैसा था तो ये इसलिए 2 चम्मच ही डालना और इसको तो भूनना है इसमें जाने का। अब ये रखे हैं टमाटर, ये हम टमाटर जितने भी डाल देते हैं पकने तक भूनने के। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कैसे भी डाल सकते हैं, हम अपने हिसाब से 1 टीस्पून डाल रहे हैं, इसमें हमारा सफिशियंट होगा ये इतना नमक, क्योंकि ज़्यादा नमक भी इसलिए अपने हिसाब से आप नमक को अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। अब हम इसमें ये हमने 1 घंटे पहले सोयाबीन को सोक करके रख दिया था पानी में और उसको निचोड़ के मैंने ये कर लिया, देखिए कितने फूल से गए हैं। अब इसे इसमें छोड़ देंगे और इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हमने जो है थोड़ा सा ये भून गया है तो हमने 1/2 कप पानी डाला था, अब 1 कप और भर के डालते हैं। बस पानी डल गया है, अब हम इसमें अपने चावल डाल देते हैं। 2 कप चावल पहले ही बताया था मैंने, 2 कप चावल है हमारे, मीन्स 400 ग्राम, लगभग 400 ग्राम और 1 कप सोयाबीन था, क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया है, फिर मैंने कहा एक बार और बता दें आपको अगर याद ना रहे। है 1/2 नींबू हम इसके ऊपर से निचोड़ेंगे, जिससे क्या होगा चावल हमारा खिला खिला आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, कुछ कुछ खट्टा कुछ नमकीन। तो हमने 1/2 से कम नींबू निचोड़ दिया इसमें। अब हम इसकी लेप लगाएंगे और 2 सीटी आने तक से पकाएंगे और 2 सीटी आने के बाद हम इसे 10 मिनट बाद खोल के देखें। दो सीटी लगाने के बाद हमने इसे जो है 15 मिनट के लिए ऐसे प्रेशर में छोड़ दिया था। अब हम इसे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया है। वाव वाव, देखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब इसको हल्के से इसको चलाते हैं, वाह देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में और खुशबू भी बहुत, पूरे घर में खुशबू उड़ रही है। सेम बिरयानी जैसा इसका
लुक है और देखने में भी बड़ा ही अच्छा है और खाने में भी बड़ा ही लजीज होगा। देखिए आप कितना अच्छा बना है ये। अभी यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कम है, अभी मैं आपको कुछ अच्छे से दिखाती हूँ। कितना अच्छा देखने में दिख रहा है ये पुलाव, सोयाबीन एंड पनीर पुलाव, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और जायकेदार होगा। तो ये हमारी रेसिपी आप जो है ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिए। शब्बा खैर।